चलो हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आगे, अभी समझा क्या बड़े आगे क्या? यस सर। ओके चलो, कंफर्मेंड अभी नहीं, ये टाइम पे नहीं। बोलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सप्रेशन 10x y raised to 4 minus can be expressed factors, बहुत इजी है। क्या कॉमन ले लेंगे बोलो? 10xy कॉमन ले सकते क्या? 10xy बच्चे लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बोलो? इधर y क्यूब ना माइनस x क्यूब, यस और नो? फैक्टराइज कर लो 10xy as it is, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बच्चे लोग क्या होता है? y माइनस x हो जाएगा और y स्क्वायर प्लस xy और प्लस x स्क्वायर ना, अरे हाँ कि नहीं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो? बहुत सिंपल, बी क्या? अरे हाँ कि नहीं, इधर माइनस तो इधर प्लस, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं बोलो जरा जल्दी मेरे को, चैट बॉक्स में लिखो जरा सब लोग, कौन कौन से फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले चाहिए, चार फॉर्मूले मुझे चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले, कम ऑन जल्दी से आंसर चाहिए जल्दी से सब लोग। फैक्टराइजेशन वाला एक आएगा और एक बिना फैक्टराइजेशन वाला, जल्दी से बोलो एवरीवन। आया क्या आंसर? अरे तुम लोग, चैट बॉक्स खाली है, कोई भी नहीं लिख रहा। एसपीआई वालों को बुलाना, स्वप्निल एसपीआई वालों को इधर बुलाना और सैनिक स्कूल वालों को भी, बड़े बच्चे बड़े बच्चे। चैट बॉक्स में किसी का नहीं आ रहा भाई, नहीं आता क्या फॉर्मूला? ऑनलाइन वाले जल्दी से, आवाज आ रहा है ना मेरा? चेक करते रहो तुम लोग। यस सर, कर रहे, लिख रहे। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो, चारों फॉर्मूले मुझे चाहिए। हाँ तुम भी अपना पढ़ाई कर लो, टाइम पास क्या कर रहे, बैठो इधर। हाँ लेके आओ बुक्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड आर्या, वेल डन। ये क्या लिखा यार तुमने, दूसरा वाला फॉर्मूले में क्या किया? ये नहीं समझा मुझे दूसरा वाला। आर्या पहला वाला सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है वो एक्चुअली, और दूसरा वाला पहले ए माइनस बी आएगा इसका, प्लस टू ए बी क्यों लिखा, प्लस ए बी आएगा ना, टू ए बी क्यों लिखा? हाँ सर, हाँ सर। हाँ वेरी गुड नरेंद्र, नरेंद्र वेल डन, नरेंद्र का सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर कट लो इधर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आएगा बच्चे लोग? ए प्लस बी इंटू, अभी अभी तो लिखा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला, चार फॉर्मूले चाहिए। सही है, इसके लिए आता फिर पीटे तो आता। देखो मैं लिख देता हूँ बच्चे लोग, ये फॉर्मूला होगा a माइनस, तुम लोग तो लिखने वाले नहीं, इतना टाइम कौन लेता है यार, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया फैक्टराइजेशन वाला, इसका a प्लस बी इंटू, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, किसी कोई तकलीफ? बढ़ जाएंगे, इसके दो फॉर्मूले और, मतलब दो एक एक और फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर माइनस प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस आएगा ना, प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी, समझा क्या? इसको मैं रेज कर देता हूं, अभी अपना काम खत्म है, थ्री बी इंटू ए माइनस बी ऐसे आता, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब,
और यहाँ पे इस बार क्या आएगा माइनस थ्री ए बी, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। किसी कोई परेशानी? सबका चैट बॉक्स खाली है। विशाल, हाँ कौन सा विशाल का रॉन्ग है? हाँ विशाल रॉन्ग है। कौन सा क्लास में बुलाओ ना सबको, बुलाओ। तुम्हारे लिए लेक्चर 10 बज गए, 9:40 को आना था। बुलाओ बाकी लोग को, बुलाओ, फोन करो, बैठो इधर, तुम बैठ जाओ पहले। ज्वाइन किया क्या ऑनलाइन? जल्दी ज्वाइन करो, स्क्रीन उधर देखे। हाँ हाँ बाकी लोग को बुलाओ। नरेंद्र का सही है, वेरी गुड, ए माइनस बी का होल क्यूब। चलो ठीक है आगे बढ़ जाते, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 मिनट बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जीसीडी। बोलो बच्चे लोग। अरे बहुत इजी ना, स्मॉलर पावर ना, हाँ स्मॉलर पावर 4 वाला आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी होल रेस टू 4, कौन सा ऑप्शन? अरे समझा क्या? अरे एक्स रेस टू 6 और एक्स रेस टू 4 में क्या है कॉमन? एक्स रेस टू 4 ग्रेटेस्ट जीसीडी। आंसर आपका डी। नमस्कार, बढ़े आगे। ओके फिर कितना इजी है, तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे यार? ऑफलाइन वाले समझ आ रहा है क्या? ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन, ऑनलाइन समझ रहे सर, समझ रहे। आप बोलने का चैट बॉक्स में भी बोल। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बताओ ना। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा? किसको नहीं समझा? मेरे को। देखो ना बहुत इजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 2:6 है एंड 2:4 में क्या कॉमन है? बोलो क्या आएगा जीसीडी? ऑब्वियसली 16 आएगा, 2:4 जो स्मॉलर पावर होती है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते, लार्जेस्ट पावर लेते, इसमें स्मॉलेस्ट लेते, तो 4 और 6 में कौन सा छोटा है? और कनेक्टेड इधर आके बैठने का, सबको बुलाओ इधर से, एसपी वालों को। हाँ सबको बुलाओ इधर आने का, तुम आओ इधर पहले। नहीं नहीं इधर ही आने का, ऐसे चुपचाप तुम बुक ले जाओगे, 20 मिनट उसमें जाएंगे। समझा क्या? बढ़ जाएंगे। हाँ सर, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करने का भी। इसका आंसर बोलो, ये वाला क्लियर है ना? अच्छा हो गया ना, हाँ ठीक है। ये वाला बोलो, बोलो कुछ समय थर्टीन कैसे करेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है? बोलो 2 times a square plus b square, 2 times लिखने का, और ये ए स्क्वायर बोले तो कितना? बोलो 16x square, एंड बी स्क्वायर बोले तो 9y square। खाना आप कब का आया? टाइम पास करते रहते तुम लोग, रिजल्ट वैसे जाता है देखो तुम सब। एसपीआई वाले सब 32x square plus 18y square, 32 आएगा ना, 32 32 आएगा, क्या आएगा बोलो? 32 बढ़ जाएगा आगे। कौन सा ऑप्शन? बी क्या? हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, कितना इजी है बोलो अभी जल्दी से। ए बाई बी, बी बाई सी, सी स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर प्लस। हाँ तो पहले सी बाई ए निकाल लेते, क्या बोलते हैं? कैसे आएगा सी बाई ए? डिवाइड कर दूं क्या? ए बाई बी अपॉन बी बाई सी कितना आ जाएगा बोलो? सी बाई ए आता क्या? अरे हाँ गिर रही, तो 4/5/15/16 कितना आएगा बोलो? 64/225 अरे आगे नहीं, ये सी बाई ए हो गया। क्या बोल रहे हैं? इतना क्लियर है? अरे आगे नहीं, क्लियर है। अब बोलो क्या करेंगे सर? कंपोनेंट और डिविडेंड तो लगेंगे स्क्वायर करके, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हुआ ना? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। सी बाई ए नहीं आएगा, ये अपन ने जो किया ना अभी, ये सी बाई ए नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ए बाई सी आएगा। देखो देखो ध्यान दो, क्या करने का सी बाई ए के लिए? सी बाई ए ऐसे करने का सर, ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसा है, ये कर सकते क्या? बी बाई सी अपॉन एक ही मिनट, क्या सोच सकते हैं अपन जल्दी से? सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्सपांड कर सकते क्या? हेलो सर, नहीं, वो फिर
हेलो सर सी बाई ए चाहिए आपको जाएगा सी बाई ए आ जाएगा बी बाई ए क्या आएगा बोलो फाइव बाई फोर अपॉन बी बाई सी बोलो सर हम ऐसे भी कर सकते ना 15 by 16 अब ठीक है अरे हाँ 5 3 कितना आ गया 4 by 3 तो ये आपका बच्चों लोग C by A ऑप्शन बी आता है सर C square upon A square is equal to A plus A square dividend और component उल्टा अरे समझा गया तो 16 minus 9 कितना आता 7 और 16 plus 9 25 आंसर कौन सा B by C I mean B option 7 upon 25 हेलो सर हमें ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ बोल रहे थे कौन बोल रहा था ए बाय बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर हां बोलो बी और बी का कोएफिशिएंट सेम करेंगे ना आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर किसको कर सकते हैं आवाज आ रही है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भी करो आप अच्छा इसमें एक चीज सीख लो कि अगर ए बी सी ऐसा गिवन है ना और बी और सी ऐसा रेशियो गिवन तो ए टू बी टू सी कैसे निकालना होता है मालूम होगा बहुत सारे लोगों को ए कितना बोलो 4 इधर क्या है 5 इधर क्या लिखने का 15 और इधर क्या लिखने का 16 इसको 15 बनाने का तो 3 से मल्टीप्लाई करने का समझा क्या बस हो गया कितना आ गया बोलो 12 15 और 16 अब अपने को ए और सी से मतलब है तो ए बाय अपने को सी बाय ए चाहिए ना तो बोलो ना सी बाय ए कितना हो जाएगा 16 अपॉन 12 तो कितना आएगा बोलो 4 बाय वही क्वेश्चन भाई अभी ए सी बाई आ गया 4 बाई 3 इससे भी कर सकते तुम है ना ये उल्टा अच्छा ये वाला है ना तो सी स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो फिर से सेम 16 पोनेंडो लगा दो हो गया आंसर 7 बाई 25 ये कर लो क्लियर है स्क्रीनशॉट लेते रहो बड़े आगे ओके चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं लोग अच्छा अगला क्वेश्चन ये क्या 112 अपॉन अरे ये बहुत अरे कौन लिख रहा है कौन लिख रहा है ऐसे नरेंद्र ऐसा करने की जरूरत नहीं है ये बड़े बड़े नंबर्स नहीं करने का सिंप्लीफाई करके करने का उसको इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स करने की जरूरत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बैठो बैठो क्वेश्चन नंबर 15 बोला बोला जल्दी बोला एक्स बाय ए प्लस सी बाय जेड बोलो कैसे करेंगे देखो मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ ध्यान से देखो क्या लगाता ध्यान से सुनना ध्यान से ए को 1 लेता मैं और बी को क्या लेता 2 और एक्स को क्या लेता 2 और वाई को क्या लेता 1 कोई परेशानी 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया सेटिस्फाइड अभी यहां पे देखो बी कितना 2 वाई कितना 1 प्लस जेड पता नहीं सी भी पता नहीं तो मैं इसको सी को 1 ले लेता हूं जेड को -1 क्या बोलते कोई परेशानी जेड को क्या ले लेने का बोलो जल्दी से -1 एंड सी को 1 आ गया सेटिस्फाइड 1 आ गया ठीक है अभी इधर एक्स बाई ए किधर है 2/1 अरे आगे नहीं प्लस सी कितना 1 जेड कितना -1 कितना आंसर आता 1 आया क्या अरे आगे नहीं पक्का हाँ साइक्लिक भी है क्लियर है इतना यस और नो सर हाँ बोलो
अरे बोलो, कोई परेशानी? नो सर। ओके, शैल वी मूव अहेड? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देखो सब्स्टिट्यूशन सीखने का रहता। अगला बोलो, ट्रेडिशनल भी हो सकता है बट अपने पास ऑप्शन है क्यों ट्रेडिशनल जाने का, बोलो अभी। एंड x इज इक्वल टू y बोला है तो क्या हो गया, 1 माइनस a इज इक्वल टू 2a प्लस 1, तो कितना हो गया बोलो, 3 हो गया इधर, 0, तो a इज इक्वल टू 0 आया क्या? अरे आगे नहीं, बहुत सिंपल, बढ़े आगे 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 बढ़े क्या? ऑनलाइन बोलते जाओ बोलते जाओ, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्या हुआ? हाँ सर। बोलो अभी, ये तो बहुत इजी, एक इसको क्या करने का बच्चे लोग, ये ए कंसिडर करने का, वाई बाई जेड को बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी जीरो ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता, 3abc, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो गया ये, और डिवाइडेड बाय ये ए है ये बी है, यहाँ पे क्या 9, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिया इसीलिए था कैंसिल आउट करने के लिए, वेट कर रहा था कैंसिल आउट करो कोई, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, आंसर कितना 1 बाय, नमस्कार, समझा क्या? बड़े क्या आगे कैसे ले लिया वो, देखो ना देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ए कंसीडर करने का, एक्स माइनस वाई को, वाई माइनस, तुम लोग इनवाइट करना पड़ेगा, 11th ज्वाइन करने का रहता, कुछ नहीं आता अपने को बेसिक्स, एक्स माइनस वाई को सबको बुलाओ, बेसिक्स वालों को इधर आके बैठो, एक्स माइनस वाई को ए, वाई माइनस जेड को बी, एंड जेड माइनस एक्स को सी, अगर तुम तीनों को ऐड करते, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखा ना, इसलिए मेरे दिमाग में आया, और तीनों साइक्लिक है तो एडिशन जीरो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और ये एबीसी ऑलरेडी है, तो 3 आ गया ऊपर नीचे 9, आंसर 1/3 इज राइट। अभी समझा क्या? हां सर, वेरी गुड। अगला बोलो जल्दी से, बहुत ही आसान है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, बोलो, प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, अपन ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, अरे हाँ कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये सिर्फ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अरे हाँ कि नहीं, देख सकते क्या? अच्छा, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, किधर है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर सकते क्या? ये मेथड भी होना चाहिए ना, कोई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, और इधर वाई स्क्वायर, आएगा आएगा, रुको अभी ध्यान दो, ये जेड स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते बोलो ना, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी से, माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ की नहीं, या एक्स ऐसे ही रहने देते, वाई की जगह पे क्या लिखें जल्दी बोलो, वाई की जगह पे लिख सकते हैं ना माइनस एक्स माइनस जेड, अरे बोलो, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस कितना, प्लस एक्स जेड ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, हाँ बस खत्म, सिंपल, समझा क्या? हाँ नेक्स्ट बोलो, बस इतना ही करना था, एक्चुअली ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाने का, क्या पूछे, आंसर तो ये आया था बराबर, लेकिन अपने को किसमें चाहिए, जेड और एक्स में चाहिए, किसमें चाहिए, जेड एक्स में, हाँ तो उसको वाई को हटाना था, तो वाई को इधर से लिख सकते हैं ना, वाई इज इक्वल टू क्या बोलो, माइनस एक्स माइनस जेड, समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, सेम क्या यहाँ पे, अभी ए क्यूब प्लस, फिर से लिख सकते हैं इसको, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बराबर, इधर भी वही वही काम, तो 3, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ सर, और नीचे सिमिलरली यहाँ पे वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, हाँ कि नहीं,
फिर सिमिलरली यहाँ पे z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स ये सो नो, तो ये माइनस वाले सौ हो जाएंगे, सौ बोलो सौ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, कितना बच्चा बच्चे लोग, थ्री थ्री एलिमिनेटेड, तो ये आंसर है ना ए ऑप्शन, अरे हाँ की नहीं, सबको समझा क्या? समझा सर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी टू एस है, बोलो एस माइनस ए बोले तो, एस माइनस बी बोले तो, हाँ बोलो बोलो अभी, एस माइनस ए कौन बताएगा, देखो देखो ये आपका a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए किया तो इधर भी माइनस ए करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं इधर, b प्लस बोलो b प्लस सी माइनस ए अपॉन टू लिख सकते क्या, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, तो ये ऐसा आ गया अभी होल स्क्वायर, ये सो नो, इसमें क्या करेंगे c प्लस ए माइनस बी अपॉन टू करना पड़ेगा, ये सो नो, और प्लस a प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होल स्क्वायर, किसी कोई परेशानी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये सो नो, किसी कोई परेशानी नहीं, अब बोलो अब क्या करेंगे बच्चे लोग, जल्दी बोलो सर, स्टेप थोड़ा फिर से बताना, क्या हुआ ये स्टेप फिर से बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, किसको नहीं समझा, ये देखो ना तुम, ये तुम्हारा एस था कि नहीं, इतना टू को नीचे लेके आए, अरे हाँ कि नहीं, हाँ टू को क्या लेके आए बोलो, नीचे लेके आए, अब माइनस ए इधर भी किया, माइनस ए इधर भी, तो ये माइनस टू ए प्लस ए हो जाएगा ना, तो माइनस ए हो जाएगा, और अपॉन टू पूरा फुल, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, अब बोलो ए प्लस बी, नीचे फोर लिखो क्या, मैं नीचे फोर लिखने का ऐसा, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए और माइनस टू ए बी, ये सो नो, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू सी ए माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी, हाँ कि नहीं, चेंज करो, ये आपका एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह बराबर, प्लस जल्दी बोलो अभी क्या आएगा इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ टाइम टाइम बहुत कम बचा है, बोलो इधर लिखता मैं, प्लस बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी, फिर अगला प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी अपॉन फोर, अभी बोलो, पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चार बार है, कितनी बार है, और अपॉन चार फोर, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा बराबर, प्लस अभी ध्यान से देखो, कैंसिल आउट उड़ाने का भी, बोलो जल्दी से, टू ए बी है क्या किधर, माइनस टू ए बी किधर है, माइनस टू ए बी, ये बाकी का छोड़ देने का, बोलो क्या क्या, टू बी सी बोलो, टू बी सी नीचे, ये कैंसिल आउट, टू सी ए प्लस का ये कैंसिल आउट, टू ए बी प्लस का ये कैंसिल आउट, टू ए बी प्लस का कहाँ है, टू ए बी प्लस का इधर नीचे, और क्या बचा जल्दी बोलो, इधर कुछ बचा, टू बी सी प्लस का, सब कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कि नहीं, टू सी ए भी कैंसिल आउट हो गया, अपॉन क्या कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया ना इधर, यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोला इन्होंने, क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी इसको हम क्या कर सकते बोलो, दोनों तरफ स्क्वायर करने का, दोनों तरफ सर आंसर आ गया ना, ऑप्शन सी, अच्छा कुछ करने की जरूरत नहीं ना इसमें, हाँ है क्या ऑप्शन, बराबर, मुझे लगा कुछ और एडजस्टमेंट करना, अंडरस्टूड एवरीवन, यस सर, 10 20 में 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए, अंडरस्टूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आंसर, चलो
नेक्स्ट, मुझे लगा इसके फॉर्म में कुछ पूछा है। लेक्चर अभी एंड होने वाला है, बोलो अभी नहीं होता एंड, इसको खत्म कर लेते हैं। बोलो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस मालूम है क्या? हाँ सर। ई बाई बी कितना बच्चे लोग 3/2 लिख सकते हैं? अरे आगे नहीं, तो 2a/3b कितना हो जाएगा? 2a/3b 6 upon 6 कितना बोलो? 1/1 हाँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस, उल्टा कर दिया अपन ने। एक मिनट, 2a/3b अब कंपोनेंट हो यार, नहीं नहीं रुको रुको कुछ तो झोल है इधर। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं है ये सब करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर 2a-3b नहीं है ना, इसलिए कंपोनेंटो डिविडेंडो के लिए नहीं जाएंगे, बस इतने से ही काम चलाएंगे। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं इस पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड करता तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग, जल्दी बोलो। 2a/b प्लस 3/3a/b ऐसे ऐसे कर सकते ना, 2a = 3b। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन या तो 3k और 2k ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं, या b से डिवाइड कर दो बेहतर। बोलो अभी 2, अभी यहाँ पे 3/2 प्लस 3/3 × 3/2 ना, और माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। 9/ कितना रहा बच्चे लोग? 9/2 - 2 कितना होता है? 5/2 3+3 कितना? अच्छा सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा बोलो? 6 तो कितना आएगा? 12/5 ए ऑप्शन। अरे आगे नहीं, यस सर समझा गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a = 3k लेने का, b = 2k लेने का, इधर सब्स्टिट्यूट करने का, a की वैल्यू 3k तो 6k हो गया, 6k प्लस 3b मतलब कितना हो गया बोलो? ये भी 6k, आगे नहीं, डिवाइडेड बाय 3a कितना? 9k एंड माइनस 4k ना, तो कितना आ गया? 12k/5k, 3k कैंसिल, ऐसे ये अच्छा है। और नेक्स्ट, अरे समझा गया सबको? यस सर। 22 लास्ट, सेकंड लास्ट, बोलो सेम सेम कुछ ऐसा ही है, बोलो कैसे करेंगे? देखो देखो बहुत बहुत अच्छा है ये, x/2a लेने का, इसमें प्रॉपर कंपोनेंट और डिविडेंड हो क्या बच्चे लोग? ध्यान से देखो, एक बार x/2a लेता मैं इधर तो क्या बचा? इधर 2b बचा क्या? और एक बार x/2b लिया तो इधर क्या बचा? 2a बचा। अरे हाँ कि नहीं, दोनों में कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के ऐड कर देने का हो जाएगा काम। बोलो x+2a / x - 2a कितना आ जाएगा? 2b + a + b और अपॉन 2b - a - b, हाँ कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली x + 2b / x - 2b, बोलो 2a + a + b / 2a - a - b, हाँ कि नहीं? दोनों को ऐड करो बच्चे लोग, क्या आएगा आंसर जल्दी से? इन दोनों को ऐड करने का, इन दोनों को आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलो ऐड करेंगे क्या क्या आएगा? 2a, 3a, 3a + 2b का 6a + 2b, 6a + एक मिनट ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 3a + 3b आता क्या? देखो a इधर है, इधर 2a है सर, डिनोमिनेटर सेम नहीं ना पर। अरे हाँ नहीं 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 नहीं, बराबर 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 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या कर सकते बोलो सर? वैल्यूज अज्यूम कर सकते क्या? हाँ कर सकते, कर सकते डेफिनेटली। ये बस ए बी 1-1 मत लो, 1-0 ले ले क्या? 1-0 हाँ सर, ए की वैल्यू चलो 1 लेते हैं, है ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया अब, है कि नहीं? ऐड करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, सब सिंपलीफाई होके। हाँ लेकिन आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या लेते बोलो? 0 लेते क्या? एक्स की वैल्यू क्या आ रहा बोलो? एक्स की वैल्यू 0 आ रहा है नहीं, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना, 0 मत लो फिर, आएगा ना इधर, इधर आएगा ना, इधर आएगा ना, तो बी की वैल्यू क्या ले लेते? 2 ले ले क्या? हाँ सर। चलो बोलो अभी जल्दी बोलो, या -1 ले सकते, क्या ले सकते? नहीं लेने का, -1 लिया तो इधर गड़बड़ हो जाएगी। बोलो x की वैल्यू जल्दी से बोलो, 8 आएगा ना ऊपर, 8/3। चलो ठीक है, अगला बस इधर सब्स्टिट्यूट करें क्या? बोलो 8/3 प्लस
टू, एट अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन, बोलो एट अपॉन थ्री माइनस टू एंड प्लस, बोलो इसको मैं अरेज कर देता बाकी का, बोलो अभी अच्छा ऑप्शन देख लो इधर क्या आता है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, टू ए बी कितना आता फोर, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं फिर भी है ना, देख लो अभी देखते क्या आता है। अगला बोलो एक्स क्या, एट अपॉन थ्री प्लस फोर क्या, एट अपॉन थ्री माइनस फोर, जल्दी सॉल्व करो कितना आएगा उधर, एट सिक्स फोर्टीन ना, और एट माइनस सिक्स टू सेवन आता, प्लस इधर कितना ट्वेंटी, और एट माइनस ट्वेल्व कितना माइनस फोर क्या, पक्का सर टू आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है सेवन माइनस फाइव टू आ रहा है सर, टू आ गया, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ और पुट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, और कोई तरीका तो है ही नहीं, जो ट्रेडिशनल था हमारा उससे क्या हो रहा है लेंदी हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत लेंदी होगा, और एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, कर लेना ट्राई करना आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से, बोलो 23 ये बोलो कैसे करेंगे, तीन मिनट है अपने पास इसको सॉल्व करने, जल्दी बोलो टू एक्स वाई भी है बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते क्या सर, अभी वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते, हाँ ये कर सकते आप, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन से अच्छा ये टेक्निक है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कितना आता, जल्दी से एक्स प्लस वाई निकालो ना, एक्स प्लस वाई जल्दी से आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा ना, यस सर आएगा, क्यों एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आता, जीरो आता क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अरे तीनों का ऐड किया तो जीरो आएगा ना, देखो ना ए प्लस बी प्लस सी इधर, सी प्लस ए इधर, ए प्लस बी टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, हाँ सर जीरो आएगा, हाँ ठीक है जीरो इज द राइट आंसर, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू, बाय।